हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों में होने वाली या फिर बहुत बार ये जो प्रॉब्लम है वो 12 महीनों किसी किसी पेशेंट को होती है, जो होती है हील्स यानी कि फुट की फटने की प्रॉब्लम। दोस्तों, एड़ियों की फटने की प्रॉब्लम अगर इस बेसिकली बोला जाए तो ये जो प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोग इसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अनदेखा करते हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, हद से ज़्यादा इसमें एड़ियों में जब क्रैक्स आने लगते हैं, दर्द होने लगता है, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तब भी लोग समझ नहीं पाते कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, तो मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी जो एड़ियों की फटने की प्रॉब्लम है वो 2 से 3 दिनों के अंदर ही रिकवर होने लगेगी और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाने वाले हैं। इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सनी हर्बल की फुट क्रीम के बारे में, दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव फुट क्रीम है। मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट को दिया है और जब भी विंटर यानी कि सर्दियाँ जब स्टार्ट हो जाती हैं तो मेरे क्लिनिक में बिकने वाला ये काफ़ी बेहतरीन फुट क्रीम है। दोस्तों, मैं जब भी किसी पेशेंट को इसे देती हूँ तो वो नेक्स्ट टाइम इसे आके ज़रूर लेके जाता है या अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये क्रीम हम लोगों ने लिया है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो उस तरीके से मुझे पता चलता है कि ये जो क्रीम है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो इसकी कॉम्पोजिशन है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मॉइस्चर की कमी हो गई है, उस सब चीज़ों को पूरा करने में इस क्रीम की जो कॉम्पोजिशन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहली इसमें कौन सी कॉम्पोजिशन है। दोस्तों, सबसे पहली इसकी जो कॉम्पोजिशन है दोस्तों वो है एलोवेरा। एलोवेरा आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करती है, जो कि ऑलरेडी इसमें एडेड है। अगर आपकी एड़ियाँ जो है काफ़ी रूखी सूखी बेजान और बहुत ही ज़्यादा फट रही हैं, उसमें से ब्लीडिंग आ रही है, दोस्तों, उन सभी कंडीशन में एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है आपकी एड़ियों के लिए। इसमें जो अगली कॉम्पोजिशन यानी कि जो अगली मेडिसिन डली हुई है दोस्तों वो है विच हैजल। विच हैजल दोस्तों कैलेंडुरा और हेमामेलिस का बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्पोजिशन है। अगर आपके जो एड़ियों फट रही हैं, उसमें इन्फेक्शन हो गई है, दरार जो है काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई है, मैं पिक्चर लगाती जाऊंगी, आप अच्छे से समझ जाइएगा। अगर एड़ियों में काफ़ी ज़्यादा दरार हो रही है दोस्तों, उस कंडीशन में जो कैलेंडुला होता है वो हीलिंग का काम करता है, यानी कि एड़ियों में हीलिंग का काम करेगा, वो जो आपके फटे हुए स्पेस है उसको भरने का काम करता है। हेमामेलिस जो है दोस्तों, अगर उसमें से खून आ रहा है, ब्लड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, या फिर बहुत बार लोगों को दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में हेमामेलिस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है जो कि इसमें डली हुई है। उसके बाद की जो मेडिसिन है दोस्तों वो इसमें है सारसापेरिला। सारसापेरिला दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, जो एड़ियों का फटना है, जो एड़ियों का रूखापन है और साथ ही साथ जो एड़ियों में मॉइस्चराइज़र की कमी हो गई है, उन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए सारसापेरिला काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होने वाली है, जो कि इसमें ऑलरेडी एडेड है। इसके बाद जो दोस्तों है इसमें बी वैक्स यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की जो वैक्स होती है दोस्तों, वो इसमें एडेड है, जो कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है और ये जो हील्स, ये जो हमारे फटे हुए एड़ियों को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। इसके बाद दोस्तों इसमें है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि बहुत ही इफेक्टिव नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम आती है हमारी स्किन पे, एड़ियों पे, लिप्स पे या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स पे जो ग्लिसरीन है हम अप्लाई करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भरे रिजल्ट मिलते हैं जो कि ऑलरेडी इसमें एडेड है। तो दोस्तों ये तो सब रही कि इसमें कौन कौन सी कॉम्पोजिशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है आपकी फटी हुई एड़ियों के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी जो एड़ियाँ है वो फटती क्यों, आखिर फटने का कारण क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों लंबे समय तक खड़े रहने के कारण या फिर नंगे पैरों चलने के कारण भी हो सकता है। बहुत बार दोस्तों त्वचा की अगर देखभाल जो है हम वो सही से नहीं कर पाते हैं, उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो त्वचा में नमी सील नहीं हो पाती है, पैर रूखे सूखे होने लगेंगे, बल्कि पैर जो है दोस्तों वो फटने भी लगते हैं। तो दोस्तों ये जो क्रीम है आपको सभी परेशानियों से बहुत ही जल्दी निजात दिलाने वाली है और मुझे ये लग रहा है कि विंटर अब स्टार्ट हो गई है, तो मैं आप लोगों की जितनी भी हेल्प कर पाऊँ, जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ, मैं अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसकी जो क्वांटिटी है, इस फूड क्रीम की जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम की क्वांटिटी आप
आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिल रही है। और इसकी जो एमआरपी है दोस्तों वो अभी हाल फिलहाल थोड़ी सी बढ़ गई है, 200 के आसपास इसकी एमआरपी पहुंची है दोस्तों, आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। अगर मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव फूड क्रीम है दोस्तों, आप अगर किसी भी फूड क्रीम को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बाजार में ऐसे फूड क्रीम अवेलेबल हैं जिनकी ऐड आती है और आप उसे देख के खरीदते हैं और लगाते हैं जिससे कोई भी फायदा नहीं होता, लेकिन आप इस फूड क्रीम को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।